हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शंस को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शंस? सो नाउ लेट अस सी. Let us suppose we have a block which is placed on a horizontal surface. ठीक है, horizontal plane. कि एक horizontal plane पे, ये हमारा एक horizontal plane है, इस horizontal plane पे एक block placed है इस तरीके से. And इस block का let us suppose mass m है, तो इस block का weight downward direction में work करेगा. Weight हमें से क्या लगता है? Downward, vertically downward. ठीक है, और जब ये ब्लॉक mg फोर्स से इस प्लेन को क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा. तो उसी के अपोजिट में ये वाला प्लेन भी इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज रिएक्शन फोर्स r. क्या होगा? रिएक्शन भी लगेगा इसमें r, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट लेट अस सपोज इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं f इन दिस डायरेक्शन. In this direction, अगर इस direction में force आप लगाएंगे तो इसके opposite direction में इसी block पे क्या लगेगा? एक friction force, that is F S. क्या F S work करेगा इस applied force के opposite direction में. So now this is reaction force and this is friction force. Friction फोर्स, जब यहां से हम क्या करेंगे, इस फोर्स को इंक्रीज करेंगे, इस फोर्स को इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन फोर्स जो होगा वो खुद को इस तरीके से बैलेंस करेगा ताकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ये इंक्रीज हो जाए. क्या जाए? फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो तो कुछ टाइम तक ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होगा. एंड आफ्टर देन जैसे ही बॉडी टेंड टू मूव करेगा, मतलब मूव करने के लिए जैसे ही जाएगा, तो ये जो फ्रिक्शन होगा उस कंडीशन में, इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ एस मैक्स. तो एफ एक्स मैक्स इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रिजल्टन, या नॉर्मल जो फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स का एक रिजल्टन फोर्स होगा इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द रिजल्टन फोर्स और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्टन फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स किसका? रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है. इस रिजल्टेंट फोर्स एंड जो रिएक्शन फोर्स है, या हम इसको नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, तो रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स के बीच में यहां पर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस एंगल इज नोन एज फ्रिक्शन. तो यहां पर सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स और आपका रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंड रिएक्शन का, फ्रिक्शन एंड रिएक्शन का एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा इस डायरेक्शन में. ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स एंड जो रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को ही कहेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज Define as the angle between, define as the angle between the resultant force of, resultant force of friction force and between the it is defined as the angle between the resultant force between the resultant force of friction force and reaction force. Reaction force R. Resultant force of the friction force and reaction force with
the reaction or normal force. रिएक्शन को हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक ना. तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन. तो इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, और रिएक्शन फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है. तो ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं tan थीटा, देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इज इक्वल टू fs मैक्सिमम बाय r, fs मैक्सिमम बाय, देखिए ये tan, ये एंगल थीटा है, यहाँ से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो फोर्स है ये आपका जस्ट किसके इक्वल होगा, fs, क्योंकि इसी के पैरेलल है ना, तो ये एफ एस के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका रिएक्शन फोर्स है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. सो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम बाय आर, बट एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, किसके इक्वल होता है, म्यू एस आर के इक्वल होता है, देन एफ एस मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू एस, इज इक्वल टू म्यू एस, एंड इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये जो आपका रिलेशन है, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच का क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है. तो सिंपल सा रिलेशन है, यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, तो हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी tan of angle of air, tangent of angle of friction is always equal to the coefficient of static friction. तो इसका मतलब है angle of friction जितना ज़्यादा होगा, static friction coefficient of static friction का value उतना ज़्यादा होगा, ठीक है. सुनो, next topic is angle of repose. Angle of repose. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज. सो नाउ एंगल ऑफ रिपोज मीन्स, एंगल ऑफ रिपोज का मीन्स क्या है. सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड वर्टिकल, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन, नॉट अ वर्टिकल प्लेन, वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन. ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है. इनिशियली लेट अस सपोज कि अलग अलग एंगल पे था ये, जस्ट लाइक दिस. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, फिर डायग्राम बनाता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है. इसी प्लेन पे लेट अस सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ठीक. ये पहले स्मॉल एंगल पे था, अब जैसे जैसे इस एंगल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाएंगे, क्या करेंगे, जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, जो एंगल है, अगर इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ पे जो आपका मास है, ये मास यहाँ पे स्लाइड करने लगेगा, क्या करेगा, स्लाइड करने लगेगा. मतलब इससे पहले इस वाले प्लेन पे होगा, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, दूसरे प्लेन पे, मतलब एंगल को हमने चेंज कर दिया, सेकेंड प्लेन पे ले आए, इसने इंक्लाइन पे ले आए, ये स्लाइड नहीं किया, फिर थर्ड स्टेज पे लाएंगे, मतलब एंगल को धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, थर्ड स्टेज पे आ जाएगा, स्लाइड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा प्लेन आएगा, एक ऐसा इंक्लिनेशन आएगा, जहाँ पे ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करने ही वाला होगा, या वो स्लाइड कर जाएगा. तो जिस एंगल पे ये स्लाइड कर रहे हैं, उसी एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज, या जिस एंगल पे ये स्लाइड करने को टेंड कर रहा है, मतलब स्लाइड करने ही वाला होगा, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. तो इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड that an inclined
It is the minimum angle that an inclined makes with the horizontal. Inclined makes with the horizontal. Inclined makes with the horizontal when a body placed on it just began to slide down. ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज का मीन्स होगा, इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन. मतलब जस्ट वो क्या कर रहे हैं, वो स्लाइड डाउन करने ही वाला है या स्लाइड डाउन कर रहा है, तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज. सो नाउ लेट अस सी वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन. ये हमारे एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड एंगल ऑफ रिपोज इज फाइ, एंगल ऑफ रिपोज इज फाइ, और यहां पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास जो है वो आपका लेट अस सपोज m है. m मास का एक ब्लॉक रखा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे. सो नाउ ये जस्ट विगन टू स्लाइड, मतलब स्लाइड कर रहा है या स्लाइड करने ही वाला है, तो इस सिचुएशन में इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, डेट इज एफ एस, डेट इज एफ एस. क्या होगा ये, एफ एस फ्रिक्शन लगेगा इसमें, ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. एंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ब्लॉक जो है कहाँ जा रहा है, मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड इसका मास होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्क करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी. और इस पे जो रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक. दिस इज द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर. सो नाउ mg जो कंपोनेंट है, इस mg कंपोनेंट के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. सो नाउ लेट अस सपोज अगर दिस इज एंगल इज अल्फा, देन ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका क्या जाएगा, सॉरी ये अगर फाई है तो ये भी आपका फाई हो जाएगा. हाउ, हाउ इज इट पॉसिबल? सो नाउ लेट सी, ये हमारा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या इसी प्लेन में मैं आपको दिखाता हूं, सुनो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक, दिस इज एंगल इज फाई, ये आपका वर्टिकल है 90 डिग्री पे प्लेन पे, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक. ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, आपका मास इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया, मास इन दिस डायरेक्शन. अगर ये फाई है तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस फाई. सुनो अगर यहां से इसको वर्टिकली करेंगे तो यहां पे ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक. अगर ये 90 माइनस फाई है, ये 90 है, ठीक, और ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 माइनस फाई है, ये 90 है, देन ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा आपका फाई, कितना जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 और इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, तो ये 90 माइनस फाई है तो ये कितना होना चाहिए, फाई होना चाहिए. तो एम जी एंड जो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो फाई बनेगा. सो नाउ एम जी जो है, एम जी के दो कंपोनेंट करेंगे, वन कंपोनेंट इज एम जी साइन कॉस थीटा एंड वन कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट इज एम जी साइन थीटा. देखिए जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और उस पर परपेंडिकुलर जो लाइन है या परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना. तो दिस इज एम जी साइन थीटा नहीं सॉरी फाई, यहाँ पे एंगल ऑफ फाई है, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फाई यूज करेंगे. तो एम जी कॉस फाई एंड एम जी साइन फाई. लेट अस सपोज एट अ इंस्टेंट ये रेस्ट पे है, यहाँ पे इसमें है, रेस्ट में, रेस्ट सिचुएशन में, मतलब
लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में, कि अगर हम यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दें तो बॉडी जो है वो डायरेक्टली क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में एम जी कॉस फाई को बैलेंस करेगा आर एंड एम जी साइन फाई को बैलेंस करेगा एफ एस, ठीक ना। एट दिस सिचुएशन या एट दिस कंडीशन कंडीशन द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन द ब्लॉक दैट इज आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, आर एम जी कॉस फाई को बैलेंस करेगा एंड एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन फाई, एम जी साइन फाई, आर एम जी कॉस फाई को बैलेंस करेगा एंड एफ एस जो फ्रिक्शन है वो एम जी साइन फाई को बैलेंस करेगा इस सिचुएशन में। तो इन दोनों केस में अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, देन इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन ऑफ सेकंड, देन एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी साइन फाइव डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, एम जी साइन फाइव डिवाइडेड बाय एम जी कॉस फाइव, देन एम जी से एम जी कैंसल, सो नाउ साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव डेट इज टेन फाइव एंड इट इज एफ एस अपॉन आर, एफ एस अपॉन आर एंड एफ एस अपॉन आर इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डेट इज एफ एस। तो यहाँ से टेन फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, टेन फाइव इज इक्वल टू म्यू एस एंड म्यू एस इज इक्वल टू वी नो डेट टेन थीटा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इन केस में अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे देन वी गेट फाइव इज इक्वल टू थीटा, फाइव इज इक्वल टू थीटा, इट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज जो है वो आपस में होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर है। दस द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने कल डिस्कस किया था स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शंस एंड सेकेंड इज रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शंस के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कब वर्क करता है, जब एक बॉडी या एक ब्लॉक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर स्लाइड करता है, जो कि हम अब तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जैसे अभी आपको दिखाया था कि इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग के कंडीशन में जो फ्रिक्शन वर्क करता है या फ्रिक्शन एक्ट करता है उस बॉडी पे, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जैसे आपका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो वुडन ब्लॉक एंड इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा डेट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, ठीक ना। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी या व्हेन अ व्हील और अ स्फीयर और अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ अनदर सरफेस, रोल ओवर अ अनदर सरफेस, देन एट दिस टाइम जो फ्रिक्शन वर्क करेगा दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई भी एक व्हील है, ये व्हील किसी भी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, यहां पे इस तरीके से क्या कर रहा है, यहां पे ये रोल कर रहा है, ठीक ना। जब ये रोल करेगा आगे की तरफ जाएगा, या किसी भी रोड पे जैसे आपका मोटरसाइकिल का जो व्हील है वो क्या करता है, रोल करता है ना।
या आपके बाइसाइकिल का जो व्हील है वो भी रोड भी क्या करता है, रोल करता है, ठीक। या आप एक स्फेरिकल बॉल को किसी सरफेस पे क्या कर दो, रोल करा दो, तो उस सिचुएशन में इस सरफेस एंड व्हील के कॉन्टेक्ट एरिया पे जो फ्रिक्शन वर्क करता है डेट इज रोलिंग फ्रिक्शन, डेट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। दोनों की डेफिनेशन हम लिख लेना, रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस होता है। तो इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं, जो आपके ट्रक्स होते हैं, कार होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो व्हील यूज़ किया जाता है वो सर्कुलर व्हील यूज़ किया जाता है, इसीलिए ताकि रोड एंड व्हील के बीच में फ्रिक्शन कम यूज़ हो, फ्रिक्शन कम लगे और जो व्हीकल्स हैं वो स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके। इसीलिए व्हील जो है वो हम ये मानते हैं कि व्हील का जो इन्वेंशन है एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, ठीक ना, क्योंकि व्हील जब से इन्वेंट हुआ है तब से सबके लिए मोशन या मूव करना इजी हो गया है। क्योंकि जब व्हील बने तो व्हील से फिर बैलगाड़ी बनी, बैलगाड़ी से फिर अलग अलग तरीके के व्हीकल्स बनते गए और जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ग्रोथ करता गया। तो व्हील का जो इन्वेंशन है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, इसलिए व्हील का यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हील एंड कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो फ्रिक्शन वर्क करता है रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करता है, फ्रिक्शन कम होगा तो इस केसेस में जो है आपका एनर्जी जो है कम लॉस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो एनर्जी लॉस कम होगा। अच्छा, फ्रिक्शन जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है? देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज है कि जब किसी भी सरफेस पे कोई भी व्हीकल्स रोल करता है, जैसे यहां पे एक व्हीकल्स है, ठीक है, जैसे सरफेस से ये रोड है, इस रोड के ऊपर ये व्हील जो है इस तरीके से रोल कर रहा है। सो नाउ इन दिस सिचुएशन ये जो कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया होगा, ये कॉन्टेक्ट एरिया जो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं, जो उसके व्हील होंगे, वो व्हील एंड जो रोड के बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, और इसका अपना वेट होता है mg, व्हील का वेट होता है अपना mg, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया जो है ये बहुत ही लेस होने के कारण यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो जो व्हील है वो क्या करता है, इस रोड को थोड़ा सा बेंट कर देता है, थोड़ा सा क्या करता है यहाँ पे, ये बेंट करता है रोड को इस तरीके से, बेंट कर देता है, ठीक ना। जब यहाँ से उस पॉइंट पे जब रोड बेंट होता है, मतलब कर्व शेप में हो जाता है, तो इस केस में ये इस व्हील को आगे बढ़ने के लिए यहाँ से उसको डिटेस्ट करना पड़ता है, इसको यहाँ से खुद को निकालना पड़ता है। डिटेस्ट करने के लिए इसको अगेन क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में व्हील एंड ये जो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है, इस कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के बीच में एक एडहेसिव फोर्स लगता है, और उसी एडहेसिव फोर्स जो है वो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, और उसी अपोजिशन के कारण जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसी फोर्स को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों वर्क करता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के क्या लॉज है, लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के क्या लॉज है, ठीक ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन के लॉज है, फर्स्ट लॉ इज द रोलिंग फ्रिक्शन FR, तो रोलिंग फ्रिक्शन FR इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R, मतलब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन FR भी जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। एंड सेकेंड,
रोलिंग फ्रिक्शंस एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ व्हील, मतलब रेडियस ऑफ व्हील ज़्यादा होगा, व्हील अगर बड़ा है तो उस कंडीशन में वो स्मूथली मूव करते हैं, क्या करते हैं स्मूथली उसका मोशन होता है, अगर व्हील छोटा होता है तो उस कंडीशन में उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका भी एक छोटा सा साइकिल चलाना, एक बड़ी साइकिल चलाना, या एक छोटे व्हील का कोई भी एक व्हीकल चलाना, एक बड़ी व्हील्स का व्हीकल चलाना, दोनों के केसेस में आपको फ़र्क महसूस होगा। दोनों के केस में अगर रेडियस चेंज करते हैं, व्हील की रेडियस को चेंज करते हैं, रेडियस को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन ग्रेटर होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप रेडियस को डिक्रीज करें इंक्रीज करेंगे तो उस केस में फ्रिक्शन कम होगा। तो जो बड़ी व्हील्स वाले व्हीकल्स होते हैं उसको चलाना बहुत स्मूथ होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लेस वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है, दो लॉज है। फर्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील, आर इज रेडियस ऑफ द व्हील। सो नाउ एफ आर, सो एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन स्मॉल आर, आर अपॉन स्मॉल आर, देन एफ आर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक आपका कॉन्स्टेंट आएगा, डेट इज म्यू आर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो वी म्यू आर इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शंस का कोफिशियंट है, दिस इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन के लॉस, एंड रोलिंग फ्रिक्शंस ऑलवेज, या कोफिशियंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस ऑलवेज लेस देन द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस एंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे एफ एस इज ग्रेटर देन द एफ के, एंड एफ के इज ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, ये रिलेशन होता है तीनों में। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है किसका होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, या कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ग्रेटर होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक और थ्योरेटिकल टॉपिक्स लेते हैं, डेट इज फ्रिक्शन इज ना नेसेसरी एविल, एविल मतलब फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी एविल है। ठीक है ना, दुश्मन जिसको हम कहते हैं, मतलब व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, फ्रिक्शंस अगर नहीं होगा, लेट अस सपोज अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें इन नेचर्स नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे वॉक नहीं कर सकते क्योंकि वॉकिंग के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शंस नहीं है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे अभी कभी भी वॉक नहीं कर सकते, वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। जैसे आप कभी देखते हैं कि फर्श में अगर वाटर या पानी गिरा होता है और उसी पे अगर कभी पैर पड़ जाता है तो क्या है, स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो है उस प्लेस पे या उस सरफेस पे चलना मुश्किल होता है, वहाँ पे पैर जो है वो स्लिप हो जाता है। तो वॉकिंग के लिए नेसेसरी है फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड चीज, बहुत सारी मशीनें होती हैं जहाँ पे आपका पुली और जो आपका बेल्ट होता है, पुली के द्वारा, बेल्ट के द्वारा पुली को क्या करा जाता है, घुमाया जाता है। तो पुली एंड बेल्ट के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीनें वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। दूसरी, जैसे अगर किसी भी वुडन ब्लॉक पे आप अगर किसी नेल्स को अगर पिंच करते हैं, ठीक ना, तो नेल जो है उसी वॉल पे या उसी वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या होता है, धंसा रह जाता है, वो नहीं निकलता उसमें से। क्यों? क्योंकि नेल एंड वुडन ब्लॉक के बीच में या किसी वॉल के बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन का लगता है, जिसके कारण वो इजीली उसके अंदर धंसा हुआ रह सकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ईजिली क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या करते हैं, लिख पाते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, किससे, मार्कर से, तो मार्कर एंड जो बोर्ड के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन फोर्स है तभी हम यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कुछ भी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस होगा, तो उस कंडीशन में हम इजीली राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते कुछ भी।
ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, नेसेसरी है, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। विदाउट फ्रिक्शन ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक ना। फ्रिक्शन की वजह से ही जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में ब्रेक लगता है, अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो जो व्हीकल्स है वो क्या जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हीकल्स कुछ भी चल नहीं सकते हैं। व्हीकल्स फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो तुम्हारे टायर्स होते हैं, टायर्स को बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बनाया जाता है या फ्रिक्शनल बनाया जाता है, उसके अंदर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि उसके और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन हो वो इंक्रीज हो सके, ताकि एट अ इंस्टेंट हम अगर ब्रेक लगाएं तो गाड़ी वहीं पे रुक जाए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गाड़ी को भी नहीं रोक पाएंगे। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस? डिसएडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो मच अमाउंट में क्या होता है, लॉस होता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, ठीक ना। एनर्जी लॉस होता है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से जो मशीनें होती हैं, मशीनें के जो पुर्जे होते हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, घिस जाते हैं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होता है, घिस जाते हैं, और मशीन जो है वो जल्दी से उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो वो भी एक हमारे क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक ना। फ्रिक्शन की वजह से जो है, फ्रिक्शन की वजह से जो है बहुत सारी मशीनें जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक ना। ये भी फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन की वजह से देखिए आपके जो जो आपका क्या कहते हैं चप्पलें हैं वो जल्दी घिस जाती हैं, है ना। जो फुटवेयर्स होते हैं वो जल्दी घिसते हैं क्योंकि फ्रिक्शंस वर्क करता है, और फ्रिक्शन की वजह से वो क्या कहते हैं जल्दी जल्दी घिस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि एनर्जी लॉस हाई अमाउंट में होता है, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेज भी है, तो इसीलिए फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल है, ठीक है, क्लियर है। एंड फ्रिक्शन को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑयलिंग कर सकते हैं हम। जैसे अगर मान लो मशीनें अगर वर्क कर रही हैं जहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग से फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, तो वाई ऑयलिंग। ग्रीसिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को लेस कर सकते हैं। एंड जो लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेंट का यूज़ भी हम कर सकते हैं फ्रिक्शन को लेस करने के लिए। सॉलिड एंड गैसेस जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उसका भी यूज़ होता है। एंड इसके अलावा देखिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक हमने डिवाइस बनाया है, बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बॉल्स होते हैं, मतलब इस तरीके से जो बॉल बियरिंग होता है, उस बॉल बियरिंग के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड्स बॉल्स होते हैं, ठीक ना। तो इस बॉल्स के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो आपका कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शंस होता है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे लेस होता है। तो वॉल बेयरिंग का यूज़ कर सकते हैं हम फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, ठीक ना। या कोई भी सॉलिड पाउडर का यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में अगर फ्रिक्शंस ज़्यादा हो जाता है तो जो आपकी गोटियाँ हैं बहुत स्लो हो जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन को लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर डाल देते हैं। तो पाउडर डालने से क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, और कुछ तरीके हैं, वेज हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।